चलिए आज हम कक्षा 9 का नया पाठ शुरू करते हैं, जो कि है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। और इसमें आज हम इसका परिचय देंगे, परिचय में क्या क्या होगा जो। तो इस वीडियो में हम जो है इसका जो आने वाला है और जो हमें इसमें करना है वो हम बताएंगे। तो इसमें क्या है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। सबसे पहले हमें क्या समझना चाहिए कि समीकरण बनने से पहले क्या होता है। समीकरण से पहले आता है हमारा व्यंजन। व्यंजन क्या होता है, जैसे 2x+4 ये होता है व्यंजन। अब समीकरण बनने के लिए इसे क्या होना होता है, अगर हम इस व्यंजन के बराबर कुछ लगा दें, जैसे मान लीजिए 2x+4 = हम 0 लिख दें, तो ये क्या हो जाएगा, ये व्यंजन जो होगा हमारा समीकरण बन जाएगा। अब इस समीकरण में क्या होगा, इस तरीके से समीकरण में क्या होगा, दो चरों वाले, एक चर वाले और रैखिक समीकरण इस तरीके से आएंगे, ठीक है ना। और इसी तरीके से मान लीजिए ये इस तरीके से हो जाए 2x² + 4y + 5, तो ये भी एक व्यंजन ही है। और इस तरीके से इधर अगर हम लेके जाएं इसे 2x² + 4y + 5 = 0, तो ये भी एक समीकरण हो जाएगा। तो अब क्या होगा, अब इसमें क्या आता है कि हमारा चर क्या है और रैखिक क्या है। तो इसमें क्या है, ये जो है हमारा चर है, चर क्या होते हैं, एक्स वाई और ए वी या एम एन, ये कुछ भी हो सकता है, जो भी अल्फाबेट होते हैं हम उन्हें जो है चर के रूप में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, जैसे ये हमारा व्यंजन है 2x+4, तो इसमें क्या है, हमारा एक चर है जो कि क्या है, x है। और अब ये हमारा दूसरा व्यंजन है 2x² + 4y + 5, इसमें क्या है, हमारा दो चर है, वो क्या क्या है, x और y। तो इसी तरीके से क्या होता है हमारा, जैसे ये हमारा ये पहला समीकरण लिखा है हमने 2x + 4 = 0, तो यहाँ पर जो भी x की पावर होती है अगर 1 है तो वो क्या होगा, रैखिक समीकरण होगा। ये क्या होगा हमारा रैखिक समीकरण। इसमें क्या होगा, जो इसका घातांक है, जो भी इसका घातांक है वो क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए रैखिक समीकरण में, और एक को हम लिखते नहीं है, तो ये कौन सी समीकरण होगी, हमारी रैखिक समीकरण। और ये हमारी कौन सी समीकरण है, ये इस पर हमारा घातांक लगा हुआ है 2, तो ये क्या हो जाएगा, दुई घातीय और दो चर वाली समीकरण हो जाएगी इस तरीके से। वो अभी इसमें आनी नहीं है, तो वो हम आगे बताएंगे, ठीक है ना। तो अब इसी तरीके से देखिए आप, अब मान लीजिए 2x + y, ये y +3 = 0, तो अब इसमें क्या है, ये हमारा क्या है, हमारी इसकी घात क्या है, ये एक रैखिक समीकरण है। हमारे चर क्या है, ये भी चर है, एक्स भी और वाई भी, और इनकी घात क्या है, एक है, तो ये क्या होगा, रैखिक। और समीकरण क्यों होगा, क्योंकि समीकरण इसलिए है क्योंकि इनके बराबर में कुछ है, 0 है, ठीक है ना, इसलिए क्या हो गया, रैखिक समीकरण। और कितने चर है इसमें, दो चर है, एक एक्स है चर और दूसरा है वाई, ठीक है। तो चलिए देखिए, आपने अब ये तो समझ लिया कि चर क्या होता है और रैखिक क्या होता है। अब मान लीजिए हमारे पास x+6 = 0 है, तो ये क्या है,
रैखिक समीकरण है क्योंकि x की घात क्या है, एक है। रैखिक समीकरण तो ये क्या है, रैखिक समीकरण है और चर क्या है, एक चर है, वो क्या है x। अब मान लीजिए हम दो चरों की बात करनी है हमें इसमें, तो अब क्या करते हैं हम, x प्लस y प्लस 6 अगर लें तो ये क्या, और बराबर जीरो रखें तो है तो ये भी रैखिक समीकरण। क्या है ये, रैखिक समीकरण। लेकिन इसमें क्या है, दो चर हैं, एक एक्स है और दूसरा वाई है। अब इस एक चर वाले जो भी समीकरण होते हैं उनका क्या होता है, हल क्या होता है, एक होता है। अगर हम इसे हल करें तो क्या आएगा, एक्स प्लस छः बराबर जीरो। तो एक्स को इधर रखेंगे और छः को उधर लेकर के जाएंगे तो क्या आंसर आएगा हमारा, छः। और ये इसका आंसर एक ही है और दूसरा कोई आंसर हो नहीं सकता इसका, तो इसलिए इसका जो एक चर वाली रैखिक समीकरण होती है तो उसका आंसर क्या होता है, अद्वितीय होता है। तो इसका क्या हल मिलेगा हमें, अद्वितीय, यानी कि एक ही हल होगा, इसका कोई दूसरा हल नहीं हो सकता, ठीक है। अब यहां पर अगर हम देखें x प्लस वाई प्लस छः बराबर क्या है, इसके एक से ज्यादा हल मिलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसके ज्यादा हल होंगे, एक से ज्यादा हल होंगे। तो अब देखिए इसमें और इसमें अंतर क्या होगा हमारा, इसमें हमारा क्या है, एक चर है, चर कितना है, एक है, और समीकरण कितनी है, समीकरण भी देखिए एक ही है, इसमें समीकरण एक है। लेकिन यहां पर क्या है, अब इसमें क्या फर्क आया कि इसमें चर कितने हैं, दो है, और समीकरण यहां भी एक ही है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर चर एक होता है और समीकरण एक होती है तो हमारा हल क्या आता है, एक ही आता है, एक अद्वितीय, मतलब एक ही हल आएगा। और अगर हमारे चर दो हो गए और समीकरण एक है तो अब क्या है, समीकरण कम है और चर ज्यादा है तो इसके कितने अनंत आंसर होंगे, अनंत, इसकी कोई गिनती नहीं है, अद्वितीय, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, हमारे चर इसमें क्या है, कम, चर ज्यादा है, दो है और समीकरण एक है, तो हमारे हल कितने आएंगे, अनंत या अद्वितीय कह सकते हैं, वो सॉरी एक दो से भी ज्यादा, ठीक है ना, अनंत हल हो सकते हैं इसके। अब इस रैखिक समीकरण को, दो चरों वाले रैखिक समीकरण को दिखाने के लिए एक स्टैंडर्ड समीकरण होती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो, जिसमें ए भी क्या है, ए बी सी क्या है, अचर है, कॉन्स्टेंट जिन्हें बोलते हैं, और एक्स और वाई क्या है, एक्स और वाई है हमारे चर। तो इसे हम आपको उदाहरण देकर के बताते हैं, मान लीजिए ये 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 7 हो, तो इसे हम रैखिक समीकरण में बदलने के लिए क्या करेंगे, इसे 7 को हम इधर ले आएंगे, 2x प्लस 5y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगी, हमारी रैखिक समीकरण हो जाएगी।
और इसमें दो क्या है, दो पांच सात क्या है, ये -7 लिखना पड़ेगा यहाँ पर, तब जाकर के वो प्लस में आएगा। तो ये क्या है, हमारे अचर हैं। एक्स और वाई क्या है, चर है। तो हमें जो भी समीकरण दी हुई होगी हमें इस रूप में परिवर्तित करके उसे तब हल करना पड़ेगा। तो अब देखिए, मान लीजिए कोई समीकरण हमें दी हुई है एक्स -5 बराबर 0। तो अब हम इसे हल करेंगे, तो हल करने पर क्या आएगा, एक्स बराबर 5 आएगा। तो ये जो 5 आया है इसे क्या कहते हैं हम, इसे 5 को हम हल कहते हैं या फिर इसका इसे मूल कहते हैं, इसे क्या क्या कहते हैं, इसे हल कहते हैं या फिर मूल कहते हैं। तो इसी तरीके से तो चलिए ये तो हो गया हमारा एक चर वाला जो रैखिक समीकरण है। अब मान लीजिए ये दो चर वाला रैखिक समीकरण हो, तो इसमें क्या करेंगे हम, मान लीजिए कोई रैखिक समीकरण है 3x + y = 5। तो अब हम पहले तो इसे स्टैंडर्ड तरीके से लिखेंगे, 3x + y - 5, इसे 5 को इधर ले आएंगे और बराबर 0 कर देंगे। अब हम अगर ये कहें, अब मान लीजिए ये दो चर वाली रैखिक समीकरण है तो इसके उत्तर क्या होंगे, अनंत होंगे। तो अब मान लीजिए कोई आपको पेपर में देगा कि या हल करने के लिए कहेगा, तो अनंत तो कहेगा नहीं, तो 1 या 2 या 3 4 हल करने के लिए कहेगा। अगर मान लीजिए हम एक्स बराबर 0 माने, तो एक्स बराबर 0 मानने पर हमारा क्या आएगा इसका मान, तो 0 लगाएंगे, y - 5 = 0। तो ये क्या हो जाएगा, y = 5 हो जाएगा। तो y बराबर कितना आया, 5। तो इसका एक उत्तर क्या हुआ, 0 और 5। हम मान लीजिए x बराबर 1 लगाते हैं, तो हमें x की जगह 1 लगाना है, प्लस y - 5 = 0। तो अब y बराबर हमारा कितना आ जाएगा, y बराबर आएगा 5 - 3, तो y बराबर आ जाएगा हमारा 2। तो अब उत्तर हमारा क्या आया, 1 और 2। तो अब ये तो तरीका हो गया कि x के बराबर, अब मान लीजिए कोई कहे कि y का मान हम क्यों नहीं रख सकते, ये तो y का भी रख सकते हैं। तो y का मान हम इस तरीके से लगाते हैं, तो y बराबर हमें रखना है पहले 0। तो हमारी समीकरण है 3x, तो 3x आ जाएगा प्लस 5 है, y है, तो y की जगह हमें क्या रखना है पहले 0, -5 = 0। तो हमारा x का मान क्या आ जाएगा, ये 5 उधर चला जाएगा और 3 इसके नीचे आ जाएगा। तो इसका क्या मान आ गया हमारा, 5/3 और 0। अब मान लीजिए y बराबर 1 रखते हैं, तो y का मान हम 1 रखे हैं, 3x + 1 - 5 = 0। तो x बराबर क्या आ जाएगा हमारा, 3x = 4 और x बराबर आ जाएगा हमारा 4/3। ठीक है, तो हमारा उत्तर क्या आया, 4/3 और 0। तो इसी तरीके से हम x का मान कुछ भी रख सकते हैं और हमारे उतने ही उत्तर आते चले जाएंगे। ठीक है, तो देखिए हमारी जो रैखिक समीकरण होती है वो क्या होती है, ax + by + c = 0। अगर इस समीकरण को हम इसे संख्या रेखा पर दिखाते हैं तो हमें क्या मिलेगी, एक मान लीजिए ये कोई संख्या रेखा है,
तो अगर इसे हम हल करके दिखाएंगे तो हमें एक हमेशा स्ट्रेट लाइन मिलती है, क्या मिलती है, सीधी लाइन, सीधी रेखा मिलेगी। वो कैसी भी हो सकती है, वो मान लीजिए ऐसी हो, ऐसी हो, ऐसी हो, इस तरीके से हो, होगी वो सीधी रेखा ही, ठीक है ना। तो मान लीजिए हल करके दिखाते हैं हम आपको, x प्लस वाई बराबर 4 मान लीजिए, यानी ठीक है ना। तो ये क्या है, एक रैखिक समीकरण है, द्विपदीय दो चर वाली एक रैखिक समीकरण है। तो इसे अगर हम हल करने के लिए हम क्या है, एक बार x को इस तरीके से एक सारणी बना लेते हैं। इसमें क्या करते हैं, हम यहां x रखते हैं और यहां y, ये दो बार इसका हम मान निकालेंगे। तो एक बार हम क्या करेंगे, x को जीरो रखेंगे, x को जीरो अगर हम रखेंगे तो y बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है ना। x को हमने जीरो रखा तो हमारा क्या आ गया, y 4 आ गया। तो इसे हम लिख देंगे, x हमने क्या रखा है, जीरो, तो हमारा क्या मान आया, y का 4 आया। और अब एक बार हम y को जीरो रखेंगे, तो y को अगर हम जीरो रखेंगे तो क्या आ जाएगा, x बराबर 4 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, ये x बराबर 4 है और y बराबर 0 है, ठीक है। तो अब मान लीजिए ये कोई रेखा संख्या बनाते हैं दो, जो आपस में काटती हैं, काटती है तल पर, और इसका मूल बिंदु क्या है, ओ है, ठीक है। अब इसका डिस्टेंस बनाते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, वैसे हमें 4 ही तक चाहिए, तो बस 4 इतने ही रखते हैं। और इधर बनाते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, तो ये क्या है हमारा, x डैश और x अक्ष है। और ऐसे ही इधर हम बनाते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, ये क्या है हमारा, y है, 1, 2, 3, 4, 5, और ये क्या है, y डैश। इन्हें लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है ना। ये हमारा मूल बिंदु क्या है, O से लिखते हैं या जीरो दिखा देते हैं। तो इनके सबके नंबर लिखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, और आपको पता होना चाहिए x डैश की तरफ जाते हैं तो क्या हो जाता है, ये माइनस में हो जाता है, 1, 2, 3, 4, 5। ऐसे ही इधर हम y अक्ष की तरफ जाते हैं तो ये प्लस का होता है, 1, 2, 3, 4, 5, और इधर आते हैं y डैश की तरफ तो ये माइनस का होता है, 1, 2, 3, 4, 5। अब देखिए हम इसके लिए पहली सारणी में जो हमारा मान लिखा हुआ है, x बराबर क्या है, 0 है, तो x जो x अक्ष पर है वो हमारा 0 है, तो और y हमारा क्या है, 4 है, ठीक है। तो ये तो हो गया पहला निर्देशांक। अब दूसरा निर्देशांक क्या है हमारा, x बराबर 4 है, x बराबर क्या है हमारा, 4 है, लेकिन y हमारा क्या है, 0 है, ये y है हमारा, तो y कहाँ है, 0 है, तो ये कहाँ आ जाएगा, ये यहां पर हो जाएगा। अब देखिए, अब इन दोनों को अगर हम इन दोनों बिंदुओं को मिला रहे हैं तो आप ये देख सकते हैं कि हमें क्या मिली है, एक सीधी रेखा, जो कि है तो टेपर में लेकिन क्या है, एक सीधी रेखा है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई बराबर 4। तो इस तरीके से हम इसे जो है रेखा संख्या पर दिखा सकते हैं, इसी तरीके से दिखाते हैं, ठीक है ना। इसे एक नाम दे देते हैं, a,
और तो अभी तक तो हमने देखा कि हमारे पास x और y दोनों के मान थे, हमारे पास y के भी मान थे। अगर ऐसा हो कि x के मान हो और y का ना हो, x बराबर 5 है और y बराबर कुछ है ही नहीं हमारे पास, ये मान लीजिए है ही नहीं, तो क्या होगा? उसे हम रेखा संख्या पर किस तरह दिखाएंगे? तो हम उसे दिखा सकते हैं, उसे दिखाना भी बहुत आसान होता है। हम पहले तैयार कर लेते हैं आपको, दो तीन चार पांच छः, एक दो तीन चार पांच छः, इसे क्या लिखते हैं हम एक्स डैश, और इसे क्या लिखते हैं एक्स, और ऐसे ही हम इधर भी लिख लेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः। ये हमेशा याद रखना है, जो वाई डैश की तरफ और एक्स डैश की तरफ जो बिंदु होते हैं वो माइनस में होते हैं, एक दो तीन चार पाँच छः। तो अब देखिए एक्स बराबर क्या है हमारा, पाँच है, तो एक्स का पाँच नंबर का जो क्या है डिस्टेंस, पाँच का डिस्टेंस कहाँ है, यहाँ पर है, और वाई यहाँ पर क्या है, वाई कुछ है ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, हमारा जो ये रेखा संख्या खींची जाएगी, बनाई जाएगी, पांच नंबर जो रेखा संख्या आएगी वो हमारे वाई अक्ष के समानांतर आएगी, कैसे आएगी, वाई अक्ष के पैरेलल। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर वाई का मान ना दिया हो तो वो क्या हो जाएगा, वाई के पैरेलल आ जाएगी लाइन, वाई के पैरेलल आएगी, सॉरी वाई पैरेलल ऐसे दिखाते हैं, तो y के पैरेलल आ जाएगी, ये किसके पैरेलल है, y के, इसे हम नाम दे देंगे ए बी, ठीक है। और ऐसे ही मान लीजिए x बराबर तीन हो तो उसे कैसे दिखाएं, x अक्ष पर तीन कहाँ है हमारा, यहाँ पर है, तो इसे किसके समानांतर रखेंगे, y अक्ष के समानांतर, तो ये क्या मिल जाएगा हमें, x तीन मिलेगा, ठीक है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, एक्स बराबर पांच और यहां पर क्या होगा, ये एक्स बराबर तीन। अब इसी तरह हम क्या करते हैं, मान लीजिए एक्स का मान कुछ नहीं दिया हो और वाई बराबर क्या हो, तीन हो, तो अब हम इसे किस तरह दिखाएंगे, वाई अक्ष पर हम क्या देखेंगे, तीन कहाँ है, तो अब ये वाई अक्ष पर तीन हमें यहाँ मिल गया, तो अभी किसके समानांतर होगी, ए बी सी की तरह एक्स अक्ष के समानांतर हो जाएगी, किसके समानांतर होगी, ये एक्स अक्ष के समानांतर आ जाएगी। तो इसे हम क्या लिखेंगे, वाई बराबर तीन। और इसी तरह हम कोई और उदाहरण लेते हैं, वाई बराबर माइनस पांच हो, तो माइनस पांच कहाँ आता है, वाई डैश की तरफ, तो माइनस पांच यहां पर है, हम इसे क्या करेंगे, एक्स अक्ष के समानांतर बनाएंगे, तो इसे हम क्या लिखेंगे, वाई बराबर माइनस पांच। तो इस तरीके से कुछ भी हो सकता है, इधर भी कुछ मान दिया हो तो वो जहां दिखाएगा, अगर x के बराबर कुछ मान दिया हो और y के बराबर ना दिया हो तो वो किसके पैरेलल हो जाएगी, y के पैरेलल। अगर y का मान दिया है और x का मान ना दिया हो तो वो x अक्ष के समानांतर हो जाएगी, ठीक है।
तो हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि x बराबर कुछ भी हो, मान लीजिए a हो, तो वो क्या हो जाएगी, y के पैरेलल लाइन हो जाएगी। और y बराबर अगर कुछ दिया हो, मान लीजिए a, तो वो क्या हो जाएगी, x के पैरेलल लाइन हो जाएगी। ठीक है ना। तो देखिए, अब आज हमने आपको इस चैप्टर में जो भी आगे इससे संबंधित सवाल हैं वो सारा समझा दिया है आपको। और अगर आप इस वीडियो को आसान बढ़िया से देख लेते हैं और समझ लेते हैं, तो आगे की सारी एक्सरसाइज आप चैप्टर 4 की आराम से कर सकते हैं। और इस वीडियो में बस इतना ही, अगली वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज लगाना शुरू करेंगे। धन्यवाद।